ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरएसएस की महिला शाखा के गर्भ संस्कार कैंपेन को लेकर विरोध की सियासत शुरू हो गई। संघ की महिला शाखा ने पिछले सप्ताह जेएनयू में देश भर से कई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स को जुटाया था, जिसका मकसद था गर्भ में ही बच्चों को संस्कार देने की तैयारी, ताकि बच्चे गर्भ से ही छत्रपति शिवाजी की तरह राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्रवादी बनकर जन्म। संघ के इस अभियान पर यह कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि बच्चों को जन्म से पहले भेदभाव का पाठ पढ़ाने की कोशिश है, इसके पीछे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। यह दावा क्यों झूठा है और इसके दावों को हवा क्यों दी जा रही है, इसे हर हिंदुस्तानी को समझना बेहद जरूरी है। आप हमारी यह रिपोर्ट देखिए। शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व है। उन्होंने जो सपने बोए हैं, दिव्य भारत, भव्य भारत और सच्चे अर्थ में सर्व पंथ समभाव, इस महान परंपरा को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जी करके दिखाया था। राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला क्या हो, उसको 350 साल पहले उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। छत्रपति महाराज शिवाजी मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महायोद्धा, सनातन संस्कृति पर जान न्योछावर करने वाले योद्धा, अखंड भारत का सपना सजोने वाले शूरवीर, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र सेवा के लिए अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन्हीं शिवाजी को आदर्श मारकर जेएनयू में महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार की पाठशाला लगाई गई तो बवाल मच गया। संघ के इस आयोजन के पीछे नफरती साजिश के आरोप लगाए गए। आपको बता दें, संवर्धनी न्यास के बुलावे पर देश भर से 30 से ज्यादा स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर दिल्ली की जेएनयू में जुटे। इस आयोजन में मकसद देश भर में गर्भ संस्कार कैंपेन शुरू करना था और इससे गर्भवती महिलाओं को जोड़ना था, ताकि गर्भ में ही बच्चों को संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। संवर्धनी न्यास की ओर से कहा गया कि इससे हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी शिवाजी की तरह संस्कारी बनेगी। संवर्धनी न्यास की ओर से दिए गए इस मिसाल पर बवाल मच गया। संघ का विरोध करने वाले संगठन आरोप लगा रहे हैं कि संघ अब गर्भ से ही बच्चों में सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करना चाहता है। इसके पीछे हिंदू राष्ट्र वाली सोच है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। हिंदुओं को बस यही करना है। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं। सवाल तो ये है कि संघ के गर्भ संस्कार अभियान में नफरती एजेंडा क्यों देखा जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में गर्भ संस्कार की परंपरा पुरानी है। रामायण में लवकुश और महाभारत में अभिमन्यु के गर्भ संस्कार की कथा है। वैदिक ग्रंथों में अष्टावक से लेकर गर्भ संस्कार वाले बालकों की लंबी फेहरिस्त है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन धर्म में भी गर्भ संस्कार की पुरानी परंपरा है। पिछले 2 दशक से हिंदुस्तान में कई अस्पतालों में गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग दी जा रही है और गर्भ संस्कार को वैज्ञानिक रिसर्च के बाद बेहद कारगर बताया गया है। गर्भावस्था में बच्चा करीब 5 महीने के अवस्था में सुनने की क्षमता डेवलप कर लेता है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा और शोध कार्यों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि अगर बच्चे को सार्थक शब्द सुनाई दे या फिर जो सब भी वो सुनता है, उससे उसका एक मानसिक विकास ज्यादा अच्छा होता है उसकी तुलना में, उन बच्चों की तुलना में जो उतने सार्थक या मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं सुनते हैं। नमामीश्वरम। छोटे से इस बच्चे का वीडियो आपको चौंका देगा। माँ संस्कृत का श्लोक दोहरा रही है, उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया सुनिए तो गर्भ संस्कार के मायने आपको समझ में आ जाएंगे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियो लूख लाब्दा वमानम
परामृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमो हुर्नेत्र युग्मम मजंतम करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्र रेखांक। विदेशों में हुआ रिसर्च भी अब सनातन धर्म के गर्भ संस्कार पर मुहर लगा रहा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च है गर्भ में स्वाद पहचानने लगते हैं बच्चे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का रिसर्च है गर्भ में आवाज पहचानने लगते हैं बच्चे। यूनिसेफ की रिसर्च है कि गर्भ में सुना संगीत जन्म के बाद बच्चा पहचानता है। डरहम यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि गर्भ में बच्चे खुशबू गंध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जानवरों की आवाज को गर्भ से पहचानते हैं बच्चे। यही वजह है कि सनातन संस्कारों के बीच हिंदुस्तान के हर बच्चे में जन्म से पहले डालने के अभियान में संघ जुट रहा है। इस पहल का मकसद हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ना भी है। जैसे ये छोटा बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ा दिख रहा है। कौन सा हिंदू परिवार है जो अपने बच्चे में ऐसे संस्कार नहीं चाहेगा? विदेशों में जाकर बसे लोग बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कारों में ढालकर खुश हो रहे हैं। सनातन संस्कार से रिचकर विदेशी इसे अपना रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद गर्भ संस्कार अभियान पर उंगली उठाने का मकसद समझ में आता है। सवाल उठने लगता है कि इस विरोध के पीछे क्या तुष्टीकरण की सियासत की शह है? दिलचस्प तो ये है कि गर्भ संस्कार अभियान के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अब तक कुछ नहीं कहा है। तो क्या गर्भ संस्कार के विरोध में इसलिए दबी जुबान से बोला जा रहा है? इसमें बच्चों में छत्रपति शिवाजी जैसे संस्कार देने की बात की जा रही है। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आपको बता दें कि संघ ने फिलहाल 1000 गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार अभियान से जोड़ने की पहल की है। इसके जरिए गर्भ में ही बच्चों को सनातन संस्कृति संस्कार शिक्षा से जोड़ा जाएगा। गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। धर्म ग्रंथ योग ध्यान के जरिए गर्भ संस्कार पेट में पल रहे बच्चों में विकसित किया जाएगा। जन्म के 2 साल बाद तक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गर्भ संस्कार के जरिए 9 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चों में अगले 90 साल के लिए तैयार करने का दावा है। बच्चों में राष्ट्र प्रेम के बीज पेट में ही डालने की तैयारी है। बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की तरह, जैसे उनकी माँ जीजाबाई ने उनमें भरे थे। कुल मिलाकर समझ में यही आ रहा है कि गर्भ संस्कार का विरोध करने वालों के मन में डर इस बात का है कि सनातन के संस्कारों से गर्भ में ही बच्चे जुड़ते जाएंगे तो वोट बैंक की राजनीति का क्या होगा? हिंदुओं को बांटने की सियासत का क्या होगा? उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करने की जहरीली सोच का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।